गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके यहाँ लेसन नंबर 5, ध्यान दें, आप अपनी अपनी बुक को ओपन कर लें और ध्यान दें इस चैप्टर में क्या बताया गया है। आपके ध्यान दें, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, ये निबंध है अरविंद कुमार सिंह का, लेखक परिचय। अरविंद कुमार सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से एक पुस्तक को नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 4 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, NDTV, और लोकसभा टीवी के 400 से अधिक टॉक शो में भाग लिया। भारत के राष्ट्रपति, हिंदी अकेडमी दिल्ली तथा यूनेस्को द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। वर्तमान में ये राज्यसभा टीवी से जुड़े हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इंडिया पोस्ट, अर्थ जर्नी, ट्रूथ एजेंट, झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 इत्यादि है। पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ है? इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही हो, लेकिन चिट्ठियों की अपनी दुनिया निराली है। फैक्स, SMS, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा चिट्ठी जो है वो ऐसे ऐसे स्थानों पर जा सकती है जहां पर हम ईमेल वगैरह, SMS वगैरह को नहीं भेज सकते। आगे ध्यान दें, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी प्रतियोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष कौन क्या SMS का संदेश कहां दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास के इन पत्रों की अनूठी भूमिका है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। इनमें इससे किसी को कोई संदेह नहीं, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों को अपना, हर एक के पत्रों को अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े होते हैं, घोड़े रहे, इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीविजन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम
आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया। यही सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों महानगरों में संचार माध्यमों के तेजी के तेज विकास अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तरह तल में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिससे कभी किसी को पत्र ना लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिनके इंतजार जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के बिना के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का एकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासन, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो जो देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहज रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने, समझने और असली पैमाना है। भारत में आजादी से पहले महा संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूत लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई नई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों की किसी प्रशस्ति से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेश कराकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा सकती है। तो बेटा, ये था पत्रों का महत्व। चिट्ठी पत्री किस तरीके से अपना वजूद रखती है, चाहे आज कितने ही एसएमएस, टेलीफोन, मोबाइल हो चुके हैं,
पर चिट्ठी पत्रों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक भी इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में ही देखा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था चिट्ठी पत्री का महत्व, पत्रों का महत्व किस तरीके से लोगों के जीवन में महत्व रखता है, खासकर सैनिकों के लिए जो दूर दराजों पर पहाड़ों पर बर्फीले स्थानों में रहते हैं, अपने घर वालों के संदेश को वो पढ़ने और सुनने के लिए बेताब रहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप भी इसके महत्व को जानें और चिट्ठी पत्रों का संग्रह करें। धन्यवाद।